गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अविरल गुप्ता, कंसल्टेंट हैंड सर्जरी फ्रॉम SDMH हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे हाथ की कटी नसों के ट्रीटमेंट के बारे में। हमारे साथ एक पेशेंट हैं, मिस्टर राजवीर। इनसे हम जानेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा इसी प्रॉब्लम के लिए हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के संबंध में। राजवीर जी, अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं आप, आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र 20 साल है, हम हनुमानगढ़ से हैं। तो राजवीर जी, आपके हाथ को ऊपर रखिएगा, आपके हाथ में चोट कैसे लगी थी? वो सरिये का लग गया था। सरिये की लगी थी? हाँ। अच्छा, और चोट लगने के बाद आपने क्या ट्रीटमेंट लिया? वो धागा मारा इसने, डॉक्टर ने टांके लगाए थे। हाँ। उस समय पता नहीं चला कि नसों में चोट। हाँ, उंगली सीधी नहीं हो रही थी, बस उंगली सीधी। मेरे ख्याल में आपकी ये तीनों उंगलियां सीधी नहीं हो रही थी। नहीं हो रही थी। फिर आप चोट लगने के कितने समय बाद में SDMH हॉस्पिटल में आए थे? 20 दिन बाद आए। 20 दिन बाद में आए थे। तो हमने आपको ऑपरेशन की सलाह दी थी। ऑपरेशन करके हमने आपको सुबह एडमिट किया और शाम को ही हमने आपको छुट्टी दे दी थी। कोई तकलीफ आई आपको ऑपरेशन के दौरान? कुछ भी तकलीफ नहीं है। अब आपके हाथ का मूवमेंट पूरा है? हाँ। प्लीज हमारे व्यूअर्स को दिखाइएगा पूरा। हाँ, मुट्ठी पूरी बंद हो रही है और पूरी सीधी हो रही है। पूरी हो रही है एकदम। वेरी गुड। हमारे ट्रीटमेंट से आप सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? अच्छा। कोई तकलीफ आई आपको? नहीं। अच्छा, आपके ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज के लिए हमने आपको कहीं भेजा या फिर सारा काम आपका हॉस्पिटल में ही हो गया? नहीं, हॉस्पिटल में ही हो गया। और एक्सरसाइज आपने, आपको ठीक तरह से समझाई गई? हाँ। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि जो हाथ की नसें कट जाती हैं उनमें अगर सही सर्जरी की जाए, सही समय पर की जाए और अगर सही एक्सरसाइज उनको बताई जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट हम पा सकते हैं। ये बहुत गंभीर इंजरी होती है क्योंकि इसकी वजह से हाथ के काम करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, लेकिन अगर सही ट्रीटमेंट मिले तो हम मैक्सिमम फंक्शन वापस से रीगेन कर सकते हैं। अ बिग थैंक्स टू आर पेशेंट मिस्टर राजवीर, जिन्होंने हम पे यकीन रखा, हनुमानगढ़ से होते हुए भी इतनी दूर से नियमित फॉलोअप में आए और हम देख सकते हैं कि उनका कितना अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू।